अगर आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि विंडो की कितनी ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, बिना विंडो के कोई भी कंप्यूटर नहीं चल सकता, क्योंकि विंडो ही आपको सारे फीचर अवेलेबल करवाती है, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देती है, जिसके ज़रिए से आप विंडो में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसे यूज़ कर सकते हैं। विंडो को लेकर काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले विंडो XP, विस्टा ये थी, जिसमें वक्त के हिसाब से चेंजेस होते रहे और उसमें नए नए अपडेट आते रहे। अब विंडो 10 जो ट्रेंड में है, जो काफ़ी हद तक ट्रेंड में चल रही है, और उसमें ढेर सारे ऐसे फीचर आए हैं जिसके ज़रिए से आप अपने काम को काफ़ी हद तक आसान कर सकते हैं, और आपको ये कंप्यूटर को भी काफ़ी हद तक सेफ रखती है। विंडो 10 को लेकर मैं अपनी ढेर सारी वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैंने 2-3 वीडियो डाली हैं जिसमें आपको विंडो 10 के बारे में अलग अलग हर फीचर्स के बारे में हम बताएंगे कि विंडो 10 का यूज़ आप कैसे कैसे किस किस जगह पर कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे विंडो जब आप इंस्टॉल करते हैं या इंस्टॉल करवाते हैं तो उसके लिए आपको या तो रियल विंडो की ज़रूरत होती है या फिर आप फ्री एक्टिवेशन के लिए आपको कहीं ना कहीं से की लेनी पड़ती है। लेकिन आज की इस वीडियो हम बताएंगे कि आपकी अगर विंडो आपने नहीं खरीदी है, आपके पास रियल विंडो नहीं है, तो आप फ्री में कैसे अपने विंडो को एक्टिवेट कर सकते हैं, फ्री में आप विंडो को कैसे हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं एक ही बार को। वो आपको ट्रिक यूज़ करनी होगी आपकी विंडो हमेशा के लिए, जब तक आपका विंडो ख़राब नहीं होती तब तक आपकी विंडो वो चलती रहेगी। अगर ख़राब भी हो जाती है तब आप जब विंडो इंस्टॉल कराएंगे और या खुद इंस्टॉल करेंगे तो आप वो तरीका यूज़ करके फिर से आप विंडो को अपने एक्टिव कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको आज को इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे जब विंडो एक्टिव नहीं होती है तो कैसे उसका इंटरफेस होता है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ इजाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई मोबाइल एंड्रॉयड PC। दोस्तों आज के वीडियो में जो टॉपिक है उसी टॉपिक को लेकर चलते हैं। सबसे पहले आप अपने सिस्टम पर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, ओपेरा, UC, क्रोम, जो भी आप चलाते हों, और उस पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि विंडो जब एक्टिव नहीं होती तो कैसा उसका इंटरफेस होता है। तो मैं Windows 10 एक्टिवेशन आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। जी ये है, जब आपकी विंडो एक्टिवेट नहीं होती है तो नीचे राइट साइड में टॉप में बॉटम में आपके सामने कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिखा आएगा, एक्टिवेट विंडोज, गो टू सेटिंग टू एक्टिवेट विंडोज। जब तक ये नहीं हटेगा तो समझो आपकी विंडो एक्टिवेट नहीं है, जो काफ़ी अनसिक्योर है। तो आज की इस वीडियो हम यही बताएंगे कैसे एक्टिवेट करेंगे। आपको जाना है गूगल पे और लिखना है vitly/windows और txt। इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का सर्च होकर आएगा। इसके पहले वाले लिंक पे जो है हमको क्लिक करना है। जैसे ही पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह पेज खुलेगा जिसमें कुछ कोडिंग करी हुई है। तो इस कोडिंग को हमें करना है कॉपी। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम Ctrl+A करेंगे जिससे कि ये पूरा सिलेक्ट हो गया। फिर आप Ctrl+C दबाएंगे जिससे ये कॉपी हो गया। अगर कॉपी फिर भी नहीं पता है तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के बाद अब हमें करना क्या है, अपने डेस्कटॉप पर आना है। डेस्कटॉप पर आना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे माउस से, न्यू पे आएंगे, न्यू से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर से डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, यहाँ पर वो टेक्स्ट जो है पूरा पेस्ट कर देंगे Ctrl+V के साथ। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को हमें करना है सेव। तो सेव करेंगे, सेव जैसे करेंगे आपको एक और बात ध्यान रखना, अगर आपके सेटअप में एंटीवायरस तो एंटीवायरस को आपको बंद करना होगा तभी ये कमांड चालू होगी। मेरी विंडो एक्टिवेट है इसलिए वो बार बार उस फाइल को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ। आपको करना है यहाँ पर लिखना, कुछ भी नाम लिख दीजिए, मैं खाली विन लिख देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है कि इसके आगे कोई भी नाम लिखने के बाद उसके आगे लिखना क्या है, डॉट लिखना है, स्पेस CMD। जैसे डॉट CMD लिखेंगे और सेव कर देंगे, जैसे आप सेव करेंगे तो आपके सामने इस तरह की फ़ाइल बन जाएगी। अब इस फाइल को राइट क्लिक करेंगे और रन कर देंगे और यस कर देंगे। अब फिर से करता हूँ, क्योंकि ये मैं जो मेरे में
उस एंटीवायरस ओपन है, इसलिए इसने इस फाइल को ख़त्म कर दिया है। तो इस एंटीवायरस को पहले मैं बंद करता हूँ। एक मिनट, सॉरी, ऑप्शन ऑप्शन यहाँ से सो नहीं हो। ये आ रखा है, अब मैं इसे करता हूँ कुछ टाइम के लिए बंद। ऑफ कर देता हूँ। देखिए, टर्न ऑफ, टर्न ऑन वायरस प्रोटेक्शन, मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। ठीक है, अब ये ऑफ है। अब हम फिर से वही फाइल ले लेते हैं और राइट क्लिक करते हैं और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करते हैं, पेस्ट करते हैं फाइल को, सेव करते हैं, सेव। तो जब तक एंटीवायरस रहेगा ओपन, तब तक ये फाइल काम नहीं करेगी, इस फाइल को वो ख़त्म कर देगा। फिर हम सेव करते हैं फाइल को। अब लिखते हैं विन डॉट, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला है वो डॉट cmt, ये लिखना ही लिखना है आपको, और सेव कर देते हैं। जैसे सेव करेंगे, इसे कट कर देते हैं। अब आपके सामने ये फाइल बन गई। अब इसे राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे और यस कर देंगे। जैसे ही आप ये करेंगे, ये देखिए, जब तक आपका एंटीवायरस ओपन रहेगा तब तक आप इस फाइल को एक्टिवेट कर ही नहीं सकते, विंडो को एक्टिवेट कहीं से कर ही नहीं सकते। तो आपको अपना एंटीवायरस बंद करना होगा। जैसे मैंने बंद कर लिया, मुझे ढूंढने में दिक्कत हुई कहाँ पर था एंटीवायरस, तो फिर भी मैंने ढूंढ के उसे बंद कर दिया है। अब जब आप जब ये एक्टिवेट होगी तो आपके सामने कुछ यहाँ पर सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। देखिए, अब एक्टिवेटिंग योर विंडोज़, बस यही करना है। ऑटोमेटिक थोड़ा टाइम ले सकता है। दी कनेक्शन इज सर्वर फेल, ऐसा भी आ सकता है, लेकिन आपको काटना नहीं है, वेट करना थोड़ा। ये देखिए, प्रोडक्ट एक्टिवेटेड सक्सेसफुल, आपको यहाँ को बस यस कर देना है और इंटर कर देना है, और सॉरी यस नहीं, यहाँ पर नो करना है। ठीक है, काट दीजिए या करिए या नो करिए, ठीक है, विंडो आपकी यहाँ पर एक्टिवेट होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा कि विंडो 10 को कैसे फ्री में एक्टिवेट करें और कैसे उसका फाइल को, एंटीवायरस को कैसे बंद करें। अगर विंडो 10 में आपके पास है तो आप ऐसे जैसे मैंने एंटीवायरस बंद किया वैसे बंद कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।